19 मई को लोकसभा की गोरखपुर सदर सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के उम्मीदवार अशोक अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए नामांकन कक्ष में जिला चुनाव अधिकारी के विजयेंद्र पांडेन के समक्ष पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के प्रत्याशी ने बताया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, हम उसी मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के प्रत्याशी अशोक ने कहा, लोग हमारे मित्र हैं और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि मैं इनको बताया, वो लोग हैं, बुला लो सबको, मैंने भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी से नामांकन किया है और हमारी पार्टी का जो एक प्रमुख मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा हिंदुत्व का है और इसी आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है और अपने आधार पर ये कार्य कर रही है। हमारी पार्टी का सीधा मानना है कि हम दो और हमारे दो का कानून लागू करो और इस देश के अंदर एक ऐसा सामंजस्य बनाओ ताकि आबादी नियंत्रण हो, अन्यथा कल कोई हिंदू यहाँ पे पूरी तरीके से अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिस तरीके से आज आपका फिलीपींस में है, मलेशिया में है, ये बड़े बड़े देशों को खा चुके हैं, आज इनके आबादी बढ़ने का। जी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।